रामवीर भैया के माध्यम से बड़ा अच्छा चक्र सुनाया है आप लोगों ने। रामवीर भैया कह रहे हैं हमारे यहाँ नियम है कि जब दोनों कलाकार वंदना कर लेते हैं तब सवाल गाया जाता है। हालांकि जब मैं गाना शुरू कर रही थी तभी आपको टोक देना चाहिए था। और क्या, अगर आपके यहाँ का ये नियम था तो आपको भी बताना चाहिए था और समिति को भी मुझे बताना चाहिए। मैंने अपना गीत गा दिया, किसी ने कुछ बोला नहीं। क्या आपका पहली बार है ना यहाँ? नहीं तो पहली बार में ही आपको बताना चाहिए था। अच्छा हाँ, और दूसरी बात, आपके यहाँ का नियम अपना है, हमारी तरफ नियम अपना है। वंदना वंदना आप कभी भी कहीं भी किसी की भी कर सकते हैं। ये नहीं कि जब दोनों ही कर ले तब तीसरा काम शुरू हो। अरे हमारी मर्जी, हम एक घंटे में करेंगे, आपकी मर्जी आप 10 मिनट में करिए तो आपकी मर्जी है। लेकिन जो चक्र शुरू हो जाता है, जब सवाल का क्रम शुरू हो जाता है तो फिर सवाल शुरू हो जाने चाहिए। और क्या, फिर भी आपने मुझे चक्र दे दिया है। अब चूंकि आपके क्षेत्र में हूँ मैं, आप जैसा दिशा निर्देश देंगे मैं वैसा कार्य करूंगी। जैसा आप बताएंगे वैसा हम लोग करेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। बढ़िया जवाब आपने बढ़िया दिया है मुझे, अच्छा जवाब है। जितना कलाकार से बनता है उतना अच्छा जवाब आपने दिया है। और फिर मुझे सवाल के लिए दौर दे दिया है तो मैं अपनी तरफ से एक सवाल गीत आपको दे रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा दिशा निर्देश करते रहिएगा। अगर कहीं कुछ मिस्टेक, कोई गलती हो रही हो, मुझे यहाँ के नियमों के बारे में मालूम नहीं है, ये बात तो बता दीजिए। क्यों? क्योंकि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। हेलो, सादा बोल रहा है, एकदम बिल्कुल सादा माइक बोल रहा है आपको। हल्का सा इको डाल के वॉल्यूम बढ़ाइए, आपको भी लगे हमको भी लगे इतने बड़े प्रोग्राम में इतना अच्छा माइक भी मिला। हेलो, शुरू में बहुत अच्छा बोल रहा था। हेलो हेलो, देखिए अगर जरा सा बिल्कुल उसमें ऐसे बोलिए तब आवाज आती। हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा एक्सप्लाइटेशन फैलाओ हो साउंड का। हेलो हेलो हेलो, ये बात सर रखिए। रामवीर भैया कोई मंत्र अंतर तो नहीं मार दिया है? यही बात है, सब हमारे चक्र में हो रहा है, हो रहा है। लेकिन चलिए जो भी है सब आपका ही है। एक गीत दे रही हूँ, ये बात फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया के असली नशा है तो वो है शराब का, के बदनाम नाम है ये बेचारी शराब का। मैंने होठों से लगाई तो, होठों से लगाई तो, होठों से लगाई तो ऐसी चढ़ी, होठों से लगाई तो ऐसी चढ़ी के दुनिया जाए भाड़ में मुझे क्या। लेकिन रामवीर भैया
गीत पर गौर करिएगा, मेरे गीत में तीन प्रसंग हैं और तीनों में अलग अलग बात है। मैंने एक प्रयोग किया है इस गीत में, शायद आपको अच्छा लग जाए। अच्छा लग जाए। जिस समय शनिदेव की पत्नी श्रृंगार करके बैठी है, उनके हृदय में है कि शनिदेव मेरी तरफ एक बार देखें, आकर्षित हो, शायद मेरे पति का प्रेम जागे और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लेकिन शनिदेव उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। शनिदेव अपनी तपस्या में लीन है, आंखें बंद किए हैं, पत्नी की तरफ देख भी नहीं रहे। तो देखिए शनिदेव की पत्नी कहने लगी के अपमान कर दिया मेरा, ना आंखें चार की, आखिर में हद ही हो गई अब इंतजार की, कब से खड़ी मैं यहाँ पर तुम्हें, कब से खड़ी मैं यहाँ पर तुमको भजन की पड़ी। रामवीर भैया कहा उस देवी ने अपने पति से कि कब से खड़ी मैं यहाँ पर तुमको भजन की पड़ी, पर मेरे लिए ये भजन जाए भाड़ में मुझे ललन की पड़ी। बस कीर्तन एक ऐसी विधा है जिसमें प्रसंग के अनुसार कलाकार अपनी बात रखता है। तो वैसे ही मैं एक प्रयोग दे रही हूँ कि वो नारी चाह रही कि पति मुझे देखे और मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, लेकिन पति देव तो केवल भजन में ही लगे हैं, तो इसलिए वो कह रही है कि कब से खड़ी मैं यहाँ पर तुमको भजन की पड़ी, तो भजन जाए मुझे। कुछ मिले जो कर ले मुझसे प्यार। लेकिन शनिदेव की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी व्यर्थ ये जवानी, व्यर्थ संस्कार, व्यर्थ ये जवानी, व्यर्थ संस्कार, तो संतान सुख ना मिले तो कैसा परिवार। अरे परिवार में अगर बाल गोपाल न खेले तो फिर कैसा परिवार, तो संतान सुख ना मिले तो कैसा परिवार। तो गुजर गई इस भजन में अपने, गुजर गई भजन में अपने मिलन की घड़ी, आपके इस भजन में गुजर गई इस भजन में अपने मिलन की घड़ी, तो भजन जाए भाड़ में हमें। थोड़ी सी धुन बदल जाती है और मैं उन कलाकारों में नहीं हूं कि जो कलाकार का सहयोग ना करे। देखिए गीत कह रहा है सलाम तेरी अदाओं का ये हिजाब उठा, अब इंतजार
बहुत हुआ नकाब उठा तो बिजली सी गिर गई मेरे होशो हवास पर, बिजली सी गिर गई मेरे होशो हवास पर, हलचल सी मच गई दिले खाना खराब पर। लेकिन गीत को सुनिएगा, अब यहाँ कौन कह रहा है? कौन? देवताओं ने देखा कि दैत्य एक से एक बड़े दैत्य हम सबका नाश करने में लगे हैं। उनको लोगों ने बताया कि अगर भोलेनाथ को आप मना ले, भोलेनाथ आपकी सहायता करें तो देवता मारे, देवता बच जाएंगे, दैत्य मारे जाएंगे। क्या बात? देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे तो देखिए वो कह रहे हैं कि समाधि में लीन रहे नहीं अमरनाथ जगे, सुर रहे जगाते लेकिन नहीं भोलेनाथ जगे। तो आए हैं सारे देवता शिव के निवास पर, आए हैं सारे देवता शिव के निवास पर, लेकिन असर दिखा नहीं उनके प्रयास पर। सारे देवताओं ने प्रयास किया, भोलेनाथ भोलेनाथ अपनी तपस्या छोड़ करके आंखें खोल दें ताकि हम अपनी बात बता पाए, लेकिन भोलेनाथ तो तपस्या में लीन है। तो कहा, सोचा था टूट जाएगी, सोचा था टूट जाएगी शिव की समाधि, सोचा था टूट जाएगी शिव की समाधि, पर पानी ही फिर गया है हम देवों की आस पर आई के आई। भैया रामवीर जी, देवताओं से लोगों ने कहा कि अगर 6 दिन का लाल भोलेनाथ और माता के संपर्क से उत्पन्न होगा तो वही 6 दिन का लाल तारकासुर को मार देगा, और इसके लिए भोलेनाथ को अपनी तपस्या छोड़नी पड़ेगी, अपनी नींद खोलनी पड़ेगी। इसलिए तो आई देवों के ऊपर कैसी, के देवों के ऊपर कैसी, के देवों के ऊपर कैसी पतन की घड़ी, कैसी पतन की घड़ी। और देवता लोग भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं भोलेनाथ आंखें खोलिए क्योंकि आपसे ही एक पुत्र होना है। तो आई देवों के ऊपर कैसी पतन की घड़ी, तो भजन जाए आड़ में हमें, पूरा कर रही हूं। और भैया रामवीर जी, तीसरे प्रसंग में फिर धुन बदल जाती है। हुस्न वो आग है, हुस्न वो आग है जो जलाती नहीं, छू के देखो जरा आजमा लो मुझे, पूरी धुन गाने से कोई लाभ नहीं है, आसानी के लिए थोड़ी थोड़ी जगह दे रही हूँ। अब तीसरी बात में भी यही बात आ रही कि ललन की पड़ी, यानी दुनिया एक तरफ
अपने काम में लगी है, लेकिन जिसको जिसको ललन की लालसा है उसको ललन की लगी। और देखिए कौन कह रहा है, जब चित्ररथ और विचित्र वीर दोनों ही मर गए तो सत्यवती ने एक बात भीष्म पितामह जी से कही, कहा कि अल्प आयु में बहुए ये विधवा हुई, क्या बात हुआ भैया, क्या बात, कोई जोर नहीं है। अल्प आयु में बहुए ये विधवा हुई, इनसे परिणय रचा सुत दिला कहा, इनसे परिणय रचा, इनसे विवाह करके लालन होंगे। और इसके लिए जब भीष्म पितामह ने सुना तो उन्होंने कहा कि भीष्म बोले मैं मैया वचन में बंधा, विष विषय भोग का ना पिला मुझे, भीष्म पितामह कहने लगे मैं ब्रह्मचारी भीष्म पितामह हूँ, मैं कैसे विवाह कर लूं, क्योंकि के कैसे कुरुवंश में अब जलेगा दिया, ब्रह्मचारी का व्रत तुमने है रख लिया, ब्रह्मचारी का व्रत तुमने है रख लिया, तुमको तो तुमको भीष्म बलधारी, कहा है भीष्म पितामह तुमको भीष्म बलधारी अपने वचन की पड़ी, लेकिन इसके लिए एक लालन होना चाहिए, संतान उत्पत्ति जरूरी है, आप अपने वचन लेके बैठे हैं, तो तुमको भीष्म बलधारी अपने वचन की पड़ी, व्यास बोले अभी तो हमको भजन की पड़ी, तो कहने लगे भजन जाए पहाड़ में हमें ललन की अपनी तरफ से निकाला है मैंने। अपमान कर दिया मेरा, नाखे
गई इंतजार की, तो कब से खड़ी मैं यहाँ पे, कब से खड़ी मैं यहाँ पे तुमको भजन की पड़ी। और पत्नी कह रही है पति से, भजन जाए भाड़ में मुझको, इतनी जल्दी मुझको ललन की पड़ी। अब बात क्या है, कायदे का जवाब होगा, जवाब गलत नहीं होगा। तीन प्रसंग आपने लिए हैं महाराज जी, एक प्रसंग मैं भी दे रहा हूं और वहां पर जवाब लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कश्यप ऋषि अपनी तपस्या कर रहे हैं, संध्या का वक्त है और संध्या के वक्त में उनकी पत्नी अदिति आकर के कहती है कि महाराज मुझे तो ललन चाहिए। जय जय। समझाया, चल अभी इंतजार कर, समय आने दे, कर नहीं अब ही चाहिए। जय हो, जय हो। तुम जा भजने कुआ में जान दे, ललन की पड़ी। तो अब अदिति से कश्यप ऋषि क्या कह रहे हैं, आदरणीय महाराज जी, अदिति अड़ी है चित पे, संयोग कर लिया ये। तो कश्यप ने उनके संग में ये। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। हाँ, ऐसी लाइन आनी चाहिए। अदिति अड़ी है चित पे, तो संयोग कर लिया, संभोग कर लिया, अपना सम्मान खोए खोए, अरे अपना सम्मान खोए, पैदा समस्या बड़ी। ताली तो अब बजेंगी, क्रांति माला जी ध्यान देना, अपना सम्मान खोए ऐसी समस्या बड़ी। ₹51 का आशीर्वाद है, धन्यवाद कहूंगा। जय जय। अपना सम्मान खोए खोए खोए, समस्या बड़ी। और ए दुष्टनी, मेरे भजन का समय है तुझको प्रसन्न की पड़ी। मेरे भजन का समय है तुझको प्रसन्न की पड़ी। मेरे भजन का समय लाइन कहीं स्लिप हो रही हो तो एडजस्ट करना आप, क्योंकि आपने लाइन ऐसी गा दी है कि मुझे तो ललन की पड़ी है। और ध्यान रखना, श्राप भी दिया वहां पर कश्यप जी ने, श्राप भी दिया अपनी पत्नी को। श्राप क्या दिया, अरे तुझे ज्यादा ललन की जल्दी है, तो सुन, जब भजन भाड़ में जाएगा तो सब धर्म अलैदा है जाएंगे। प्रमाण से जवाब दे रहा हूं, सब धर्म अलैदा है जाएंगे, और संध्या के वक्त में मिलन करेगी तो तेरे राक्षस पैदा है जाएंगे। और वो राक्षस हुए भी जिनका नाम था हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष, इसलिए अरे कर ले थोड़ी सी हया हया हया, कर ले थोड़ी सी हया, तू इतनी जिद पे अड़ी। अरे मेरे भजन का समय है तुझको व्यसन की पड़ी। मेरे भजन का समय है तुझको व्यसन की पड़ी। मेरे भजन का
बात आप कह रही थी कि मुझे जल्दी से, तो शनिदेव ने समझाया था अपनी पत्नी को, कहा था साथ संयोग तेरे में कर ना सकूं, साथ संयोग तेरे में कर ना सकूं, क्योंकि भजन का वक्त है मैं भोग आके 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 जुड़ना।